की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा नौकरी पैसा लोगों के लिए जरूरी खबर, सप्ते में 4 दिन काम 3 दिन की छुट्टी का नया नियम लाने की तैयारी में है सरकार, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को डॉक्टर बनाना हुआ है महंगा, एमबीबीएस की 1 साल की फीस में 1 लाख रुपए तक की हुई है बढ़ोतरी, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा इस राज्य में युवाओं को मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा, 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री देंगे 60,000 मोबाइल और 40,000 टेबलेट्स, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर इस राज्य में 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, 10,000 से अधिक जमा कराने पर लगेगा इतना चार्ज, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। वोडाफोन आइडिया की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक काम की खबर निकल गए सामने। इसके अलावा यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार यूज करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल गए सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो नौकरी पैसा लोगों के लिए जरूरी खबर, सप्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का नया नियम लाने की तैयारी में है सरकार। केंद्र सरकार नौकरी पैसा लोगों को जल्द ही यहाँ पर कुछ खबरें दे सकती है। दरअसल सरकार कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर हफ्ते में 4 दिन का काम और 3 दिन की छुट्टी का जो योजना है वो तैयारी यहाँ पर कर रही है सरकार, इसको मंजूरी सरकार दे सकती है। हालांकि इसके लिए लंबी शिफ्ट में कर्मचारी जो है उनको यहाँ पर काम करना पड़ता है। वही लेबर सिक्योरिटी अपूर्व चंद्रा के मुताबिक सप्ते में 48 घंटे का काम करने का नियम जारी रहेगा। हालांकि कंपनियों को 3 शिफ्ट में काम करने की मंजूरी दी जा सकती है। वही चंद्रा के मुताबिक 12 घंटे की शिफ्ट वाले सप्ते में 4 दिन काम करने की छूट यहाँ पर रहेगी। इसी तरह 10 घंटे के शिफ्ट वाले क्षेत्रों में 5 दिन में 8 घंटे, यहाँ पर 8 घंटे की शिफ्ट वाला को यहाँ पर सप्ते में 6 दिन यहाँ पर काम करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में बच्चों को डॉक्टर बनाना हुआ है महंगा, MBBS की 1 साल की फीस में 1 लाख रुपए तक की हुई है बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में मेडिकल का पढ़ाई जो है वो महंगी हो गई है, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा फीस यहाँ पर भरनी होगी। वही मेडिकल फीस में 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। राज्यपाल के रिकमेंडेशन के बाद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फीस बढ़ोतरी का यहाँ पर जो फैसला है उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया। बता दें आपको कि प्राइवेट कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी का फैसला मैनेजमेंट के हाथों में होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस भी यहाँ पर सरकार तय करती है। वही सरकार ने MBBS की सालाना फीस में 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी की है। वही फीस बढ़ने को लेकर यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन चीफ सेक्रेटरी है वो, और इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर जनरल और फाइनेंस ऑफिसर की कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी। फिलहाल कमेटी ने सिर्फ 1 साल की फीस यहाँ पर तय की है। वही 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी के जो है वो बहुत बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट है, जो हर माता पिता के लिए बनना आसान नहीं होता है। वही सरकार द्वारा मेडिकल फीस में बढ़ोतरी किए जाने का असर बहुत से बच्चों के सपनों पर पड़ सकता है। वही गरीब परिवार का 1 लाख रुपए तक की बढ़ी हुई फीस को आसानी से यहाँ पर एक गरीब परिवार नहीं भर सकता है। फीस में बढ़ोतरी से कई माँ बापों का बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर, इन फसलों का 31 दिसंबर तक करवा लें रजिस्ट्रेशन वरना MSP पर नहीं हो पाएगी बिक्री। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बार फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है इसको खोल दिया है। वही किसान भाई बहन इस पोर्टल पर गेहूं, चना और सरसों, जो और इसके अलावा सूरजमुखी, फल फूल व सब्जियों का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक कर ले। इसके आधार पर उन्हें यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और भावांतर भरपाई योजना का फायदा यहाँ पर मिल पाएगा। वही किसानों को यहाँ पर यह बताना होगा कि उन्होंने कितने क्षेत्र में कौन सी फसल लगाई है, इसके आधार पर उनकी फसलों की यहाँ पर जो बिक्री है उसका कोटा और प्राकृतिक आपदा आने पर मुआवजा और कम दाम मिलने पर भावांतर का लाभ यहाँ पर हासिल हो पाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम लाया है नई सर्विस, किया है रेट पेमेंट फीचर का विस्तार, अब कार और फर्नीचर रिटेल भी हुए शामिल। डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पेटीएम ने अपने रेट पेमेंट फीचर में विस्तार की घोषणा यहाँ पर की है। वही यहाँ पर जो रेट पेमेंट इसके विस्तार की घोषणा में यहाँ पर मकान किराए के अलावा रेट पेमेंट फीचर के तहत अब कंपनी ने कार रिटेल, फर्नीचर रिटेल और वैल्यू कैटरिंग, डेकोर और गेस्ट हाउस रेट और सोसाइटी मेंटेनेंस जैसी नई कैटेगरी को अपने ऐप में यहाँ पर शामिल किया है। यहाँ मकान रेट और दुकान रेट, प्रॉपर्टी डिपॉजिट और टोकन मनी और ब्रोकरेज फीस के
लिए पहले से यहाँ पर मौजूद पेमेंट सॉल्यूशन के ये अलावा है। वही रेट का पेमेंट सीधे आप यहाँ पर बेनिफिशियर के UPI ID पर भेज सकते हैं। वही बैंक अकाउंट की डिटेल को डालकर बेनिफिशियरी को रेट आप यहाँ पर भेज सकते हैं। रेट चुकाने के लिए कंपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या फिर पेटीएम वॉलेट या फिर UPI या फिर पेटीएम पोस्टपेड और नेट बैंकिंग समेत कई पेमेंट मोड यहाँ पर उपलब्ध कराती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर तक निपटा ले जरूरी काम वरना होगा नुकसान। PF अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 दिसंबर को एक यहाँ पर डेडलाइन समाप्त हो रही है। दरअसल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने अपने सभी PF अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिन ऐड करने का यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर अनिवार्य कर दिया, यानी अब आपको नॉमिन यहाँ पर जोड़ना होगा। वही 31 दिसंबर 2021 तक ये काम नहीं करने पर PF अकाउंट होल्डर्स को यहाँ पर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वही EPFO की यह काव्यात सिर्फ यहाँ पर ये जो काव्यात है वो यहाँ पर PF अकाउंट होल्डर्स को आसतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर है। अगर PF अकाउंट होल्डर्स के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो भी यहाँ पर नॉमिन को इंश्योरेंस और पेंशन आदि के फायदे यहाँ पर मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर EPFO ने कहा था कि EPFO सब्सक्राइबरों को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई नॉमिनेशन की सुविधा पर लाभ यहाँ पर मिलेगा, यानी इसका लाभ आप उठाना चाहे तो आप उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब उत्तराखंड में टैबलेट खरीदने के लिए छात्रों को मिलेंगे पैसे। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया। दरअसल CM पुष्कर सिंह धामी के फैसले के तहत अब राज्य में यहाँ पर 260,000 से अधिक माध्यमिक और डिग्री कॉलेजों के छात्र खुद टैबलेट यहाँ पर खरीद सके। वह सरकार ने टैबलेट खरीदने और बांटने की बजाय यहाँ पर सीधा DBT के माध्यम से टैबलेट के लिए पैसे जारी करने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही DBT के जरिए यहाँ पर आप जो सरकार है वो आपके खाते में यहाँ पर पैसे भेजेगी। वही ये राशि यहाँ पर DBT के जरिए छात्रों के खाते में यहाँ पर जमा की जाएगी। वह सरकार प्रति छात्र 12,000 रुपये यहाँ पर देगी। वही यहाँ पर CM धामी के फैसले के बाद यहाँ पर कांग्रेस अब एक पुल पर आ गई है, क्योंकि यह वह टैबलेट खरीद को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार पर धांधली का आरोप पहलवान लगा रही थी, लेकिन अब सरकार यहां पर छात्र छात्राओं के खाते में सीधे यहां पर 12,000 रुपए डालेगी जिससे वो टैबलेट खरीद सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI के ग्राहकों के लिए काम की खबर। SBI ने बदले हैं नियम, जान लीजिए वरना रुक सकता है आपका ट्रांजेक्शन। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव यहाँ पर किए हैं। वही नए नियमों के मुताबिक अब स्टेट बैंक की योनो एप्लीकेशन पर ग्राहक सिर्फ उसी फोन से लॉगिन कर सकते हैं जो नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होगा। वही इस नियम के बाद आप किसी भी यहाँ पर फोन नंबर से बैंक की जो सर्विस है वो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। वही बैंक का कहना है कि इस कदम से ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों को यहाँ पर बचाया जा सकता है। वही ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर SBI ने येनो ऐप में यह नया अपग्रेड यहाँ पर किया है। इससे ग्राहकों का ट्रांजेक्शन पहले से ज्यादा सिक्योर यहाँ पर होगा, वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने से यहाँ पर बचेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 जनवरी से बदल जाएगा नियम, 10,000 से अधिक जमा कराने पर देना होगा इतना चार्ज। नए साल की पहली तारीख से कई नियम बदलने वाले हैं। अधिकतर नियम बैंकों के लेन देन से जुड़े होंगे जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा। ऐसे में एक नियम यहाँ पर भारतीय डाकघर यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी यहाँ पर एक जुड़ा नियम है। 1 जनवरी के बाद इस बैंक में पैसा जमा कराने पर चार्ज देना होगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट को यहाँ पर पार कर जाएंगे। वे नकदी निकालने पर भी यही नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। वही नया नियम कहता है कि 1 जनवरी 2022 के बाद अगर कोई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाताधारक निर्धारित फ्री लिमिट के पार होने के बाद अगर पैसा जमा करता है या फिर निकालता है तो उसे यहाँ पर अधिक चार्ज यहाँ पर देना होगा। यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को 3 तरह के सेविंग अकाउंट देता है। इन अकाउंट पर कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, लेकिन आप यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर चार्ज अधिक देना होगा। भाई नकदी जमा या फिर नकदी निकासी पर GST या फिर सेस भी लगेगा। वही दर अप्लाई होगी। इससे पहले यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर IPPB ने यहाँ पर डोरस्टेप बैंकिंग के शुल्क में बदलाव यहाँ पर किया था। वही इस बदलाव को 1 अगस्त 2021 से यहाँ पर लागू किया गया था। वही सर्विस में हर रिक्वेस्ट पर प्रति ग्राहक को यहाँ पर 20 रुपये के यहाँ पर चार्ज के रूप में यहाँ पर 20 रुपये लिए जाते थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राज्य में 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। झारखंड राज्य में पहले से लगाकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति यहां पर दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड कल्याण विभाग के सचिव की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। वह इसके अनुसार यहां पर राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी SC ST और OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को यहाँ पर ये जो फ्री यहाँ पर छात्रवृत्ति है इसका यहाँ पर लाभ उन्हें यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर जानकारी दी गई है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो UPI से करते हैं अगर आप भी पेमेंट, तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप से रहे सावधान, इस छोटी सी गलती से खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। UPI से पेमेंट करते हैं तो कई तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। ये सावधानी इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन होता है, जिससे फोन से यहाँ पर UPI चलता है, उस फोन में बिना सोचे समझे ऐप कभी भी यहाँ पर डाउनलोड ना करें। इस तरह के ऐप आपके खाते की जासूसी यहाँ पर कर सकते हैं और खाते से पैसा गायब कर सकते हैं। वही UPI पेमेंट में ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। वही लोग मोबाइल या फिर फोन या फिर टैबलेट में अक्सर स्क्रीन शेयरिंग ऐप और रिकॉर्डिंग ऐप यहाँ पर रखते हैं। अगर आपके फोन में भी ऐसा कोई ऐप है तो जरा थोड़ा सावधान होने की आपको जरूरत है, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ऐप कभी भी आपके UPI एप्लीकेशन का एक्सेस यहाँ पर, जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप है उसको कभी भी अपना जो UPI ऐप है उसका एक्सेस ना दे, इससे आपके UPI का डेटा लीक कवर हो सकता है। भाई मोबाइल में अगर आपने यहाँ पर अनवेरीफाइड ऐप आपका है तो उसे यहाँ पर उससे बैंक पासवर्ड और OTP चोरी हो सकता है। इस तरह यहाँ पर इस तरह के स्क्रीन शेयरिंग ऐप से सावधान रहे और यहाँ पर सेटिंग में जाकर ऐप को तुरंत डिसेबल कर ले, इससे आपकी यहाँ पर जो बैंकिंग जानकारी है वो यहाँ पर आपकी सुरक्षित रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की, तो पूरे साल के लिए फ्री में आप उठा सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म का लुप्त। वेब सीरीज के ट्रेलर के साथ साथ अब कोरोना की वजह से नई फिल्में भी OTT पर रिलीज यहाँ पर हो रही है। ऐसे में अगर आप भी हर महीने नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और डिजनी प्लस, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म के लिए रिचार्ज कराने में आप 1000 रुपए खर्च करते हैं तो ये खबर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही काम की। दरअसल ये खबर आपके लिए यहाँ पर एक काम की खबर साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी की मदद से यहाँ पर बिना किसी की मदद के आप 1 रुपया बिना खर्च किए आप इन प्लेटफॉर्म का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। इस बात पर आप हो सकता है आपको भरोसा ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि ऐसा आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। अगर आप जियो के पोस्टपेड प्लान का इस्तेमाल करते हैं तो आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और डिजनी प्लस, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म का फ्री में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जियो के 399 के रिचार्ज पर आप यहाँ पर जो पोस्टपेड वाला प्लान है उसमें OTT प्लेटफॉर्म का फायदा आप फ्री में उठा सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 1 महीने की है। आप ये सभी OTT प्लेटफॉर्म 1 महीने तक के लिए इस प्लान में फ्री देख सकते हैं। वही जियो का जो पोस्टपेड प्लान है 399, इस प्लान में 75 GB डेटा रोजाना 100 SMS फ्री मिलते हैं। इसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और डिजनी प्लस, हॉटस्टार जैसे सभी बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो वोडाफोन आइडिया ग्राहकों को राहत। कंपनी ने पेश किए हैं 4 नए प्लान, 155 रुपए में अनलिमिटेड कॉल और मिलेगा बहुत कुछ। हाल में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टेरे प्लान में बढ़ोतरी यहाँ पर की थी और अब यहाँ पर इस दौरान कंपनियों ने अपनी मौजूदा कीमतों में यहाँ पर 250 रुपए से लेकर 500 रुपए की वृद्धि यहाँ पर की थी। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों के लिए 4 नए प्लान यहाँ पर जारी किए हैं, जिसमें सबसे सस्ता 155 रुपए का रिचार्ज प्लान है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल और कई तरह के फायदे यहाँ पर मिल रहे हैं। हालांकि ये प्लान 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ यहाँ पर आ रहा है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए 4 नए प्लान यहाँ पर जारी किए, जिसमें यहाँ पर 155, 139 और 167 और 100 यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ पर 239 और तीसरा यहाँ पर 767 रुपये और चौथा 799 रुपये का प्लान यहाँ पर इसमें शामिल यहाँ पर किया गया है। वही इस प्लान के तहत कंपनी अपने ग्राहकों को 24 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 MB SMS का यहाँ पर फायदा दे रही है। इसके साथ ही इस प्लान के तहत US 1 GB इंटरनेट डेटा भी यहाँ पर जो 1 GB इंटरनेट डेटा है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। सिर्फ कॉलिंग और यूजर्स के लिए काफी अच्छा और यहाँ पर बेहतरीन प्लान साबित यहाँ पर हो सकता है। चलिए बात करते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की, तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस में 1718 कांस्टेबल और SI के पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन। उत्तराखंड पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका निकल कर आया। दरअसल इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को घोषणा की है कि पुलिस विभाग में यहाँ पर 1718 पदों पर जल्दी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इनमें कांस्टेबल के 1521 पद और सब इंस्पेक्टर के 197 पेज यहाँ पर शामिल है, पद यहाँ पर शामिल है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में एक ट्वीट के जरिए यहाँ पर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि युवाओं को अधिकतम रोजगार के अवसर मुहैया कराने हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में अन्य विभागों की तरह यहाँ पर पुलिस विभाग है वो भी यहाँ पर एक पदों पर भर्ती शुरू करने का आदेश यहाँ पर जारी किया है। वह सशक्त युवाओं को ही यहाँ पर समृद्ध प्रदेश का आधार यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है। वही आपको बता दें कि जुलाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यभार संभालने के बाद तुरंत बाद धामी ने कहा था कि युवाओं को नौकरी देना
उनकी पहली प्राथमिकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को अलर्ट करने वाली खबर देखिए। देश में पैर पसार रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। संक्रमितों की संख्या भारत में पहुंची है 145 पार। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के संक्रमितों की मरीजों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है। वही गुजरात में कल यहां पर दो लोगों के अंदर ओमिक्रॉन की वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वही दो नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 145 हो गई है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक व्यक्ति ब्रिटेन से हाल ही में गुजरात आया था। ये 45 वर्षीय एक प्रवासी भारतीय है और एक किशोर है वो कोविड-19 ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित यहाँ पर पाया गया। यानी प्रवासी भारतीय और एक प्रवासी भारतीय का एक किशोर कोविड-19 ओमिक्रॉन स्वरूप से यहाँ पर संक्रमित पाया गया। इसी के साथ राज्य में ओमिक्रॉन जो संक्रमण के मामले हैं उनमें जो बढ़ोतरी होकर गुजरात में भी यहाँ पर 9 हो चुकी है। वही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के कई राज्यों में यहाँ पर पाबंदियां को लगातार लगाया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन में भी कई देशों में यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। वही यहाँ पर इंग्लैंड में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार यहाँ पर जल्द ही लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है।